इंदौर में बुधवार देर रात तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए। सड़क पर पानी भर जाने के कारण चंद्रभागा इलाके में कार बह गई, जिसमें 4 लोग सवार थे, उन्हें बमुश्किल बचाया गया। रात 12 बजे से निगम कंट्रोल रूम से कई अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। बारिश के कारण BRTS सहित शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरने से रात में नगर निगम की टीम ने मोर्चा संभाला। सड़कों के किनारे लगे चैम्बर खोले गए ताकि पानी का बहाव न रुके। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे तक बीते 24 घंटों में करीब 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर के मध्य चंद्रभागा पुल पर पानी भराव के कारण कार बह जाने जैसी तस्वीरें भी सामने आई। वही हालात को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते नया पीठा रोड पर पेड़ भी गिर गया, जहां 3 से 4 कारें और दोपहिया वाहन पेड़ के नीचे दब गए। पंडरीनाथ ढाबे के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, साथ ही रहवासियों ने मिलकर पेड़ को हटाने में मदद की। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश के बाद निगमायुक्त प्रतिभा पॉल, SDM अजय देव शर्मा, पवन जैन, राजेश राठौर, अपर आयुक्त संदीप सोनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे। निगम की टीम को जल भराव क्षेत्र में तैनात किया गया। वहीं कंट्रोल रूम पर मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर निगम की टीम सहायता के लिए पहुंच रही है। चंद्रभागा रोड पर करीब 5 फीट पानी भर गया, जहां एक क्रेटा कार पानी में बहने लगी, जिसमें 4 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने युवकों को बड़ी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला। कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र के निर्देश पर पुलिस बल एहतियातन कई जगहों पर रात से ही अलर्ट मोड पर रही, जहां नगर निगम कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी देर रात से ही डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Viraj 24 न्यूज। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।